नक्सलकारियों को सजा दिलवा पाए, उन लोगों को फांसी की सजा मिले। इसके नेताओं को यही कहना चाहती हूँ कि घर पे बैठकर कुछ ऐसा ना बोले कि लड़कियाँ ये पहनती है वो पहनती है। सबसे मायने ये रखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो। हाथों में तख्ती और होठों पर बलात्कारियों को सजा दिलाने की मांग, ठीक वैसी ही तस्वीर जैसे निर्भया कांड के बाद दिल्ली में देखने को मिली थी। मांग वही लेकिन तस्वीर नहीं। मध्य प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। रेप के दोषियों को फांसी देने की मांग, बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग, दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग। जब तक कठोर कानून नहीं बनाए जाएंगे, बलात्कारियों को सजा तत्काल नहीं दी जाएगी, तब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा। और यही हमारी मांग है सरकार से कि कठोर कानून बनाए, बलात्कारियों को तत्काल फांसी की सजा लगाता हूं। कमलनाथ के राज में मध्य प्रदेश में रेप जैसी घटनाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रेप की घटनाओं से राज्य की सियासत गर्मा गई है। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि चीजें बर्दाश्त के बाहर हो गई है। इसलिए एक प्रशासन की संवेदनशीलता, सजगता, त्वरित कार्रवाई, लेकिन उसके साथ साथ फांसी की सजा जिन दरिंदों को दी गई है। जब मैं मुख्यमंत्री था, हमारी कैबिनेट ने, बाद में विधानसभा ने भी, मासूम बेटियों के साथ अगर बलात्कार होगा तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, अपराधी ये तय किया था। मध्य प्रदेश में मासूमों के साथ हो रहे दुष्कर्म को लेकर बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पोस्ट कार्ड लिखने की अपील की है। शिवराज सिंह चौहान ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है, देश में बलात्कार, दुष्कर्म और हत्या के लिए केंद्र सरकार ने फांसी जैसी सजा का कड़ा कानून बनाया है, लेकिन अदालतों में लंबित प्रकरणों के कारण आरोपियों की सजा में देरी हो रही है। आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश में 26 अपराधियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है, उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए आप शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, जिससे अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये पोस्ट कार्ड भेजे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके जल्दी से जल्दी सजा फांसी की सुनाओ और हत्यारों को फांसी के फंदे पे लटकाओ। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार अरविंद बन तिलक मार्ग नई दिल्ली, ये पता है और ये मैटर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के बलात्कारी फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। पिछले 7 दिनों के दौरान भोपाल और उज्जैन से आई 2 खबरों ने मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश को हिला दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ दिन बाद सड़ी गली हालत में बच्ची की लाश मिली, जिसको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर है उज्जैन की, जहां 5 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा ने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया। आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह के जो दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। पिछले कुछ दिनों के दौरान रेप की बढ़ती घटनाओं ने जहां कमल सरकार को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया, वहीं पुलिस की ढुलमुल रवैये से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।